काउ मिल्क का मलाई से कैसे बनाएंगे मक्खन, ये आज हम बना के दिखाएंगे। मक्खन ऐसा चीज है जो सबको हमेशा जरूरत पड़ता है, तो रेगुलर मेजर में दूध जो आप लेते हैं उसी से आप बना पाएंगे मक्खन। एक पैन में हम डाल रहे हैं काउ मिल्क। पहले दूध अच्छी तरह उबाल लेना है, 8 से 10 मिनट इस तरह नीचे से चला के इसको उबाल लेंगे। दूध अच्छी तरह उबाल लिया है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूध ठंडा होने के बाद उसको फ्रिज में एक दिन रख देंगे। A few minutes later, फ्रिज में एक दिन रखने के बाद दूध के ऊपर मलाई आ जाएगा। देखिए कितना मोटा, कितना गाढ़ा, कितना अच्छा मलाई आ गया है। इस मलाई हमने चमचा से उठा के एक डब्बा में रख देंगे। दूसरा दिन भी अच्छा मलाई मिलेगा। इस तरह मलाई अब जमा करते जाइए। उठाने के बाद मलाई को डीप फ्रीज में आपको स्टोर करना पड़ेगा। 7 days later, 7 days हमने मलाई जमा किया। देखिए कितना ब्यूटीफुल मलाई जमा हो गया। अब इस मलाई से हम बनाएंगे मक्खन। जी फ्रिज से निकाल के हमने इसको रूम टेम्परेचर में 2 घंटा रख दिया और ये मलाई थोड़ा नरम हो गया। अब हम इसको फेंट लेंगे। देखिए मलाई से मक्खन बनाने के लिए यूज करेंगे प्लेट। इस तरह इसको रखेंगे। हैंड मिक्सर यूज करके भी मक्खन निकाल सकते हैं। ये मलाई हम इसके अंदर डाल देंगे। एवरी 10 days या 7 days मलाई इकट्ठा करने के बाद अब एक बार फेंट लेंगे और मक्खन बना लेंगे। जिनका सॉल्ट से कोई प्रॉब्लम हो वो भी ये बटर खा सकते हैं। ओब्वियसली ये अनसॉल्टेड बटर बनेगा। बंद करके हम एक बार आपको दिखाएंगे इसका टेक्सचर कैसा बन रहा है। देखिए देखिए इसका टेक्सचर। फिर एक बार अब देखिए इसका टेक्सचर। दूध जितना था अंदर वो निकाल आ रहा है और मक्खन ऊपर आ रहा है। और भी थोड़ी देर तक हम इसको चलाएंगे। देखिए मक्खन पूरा एक तरफ आ गया। मक्खन को उठा लेंगे। देखिए कितना बढ़िया मक्खन बनके तैयार हो गया है। फ्रिज में इसको बटर पॉट में रखना है और जब जरूरत तब इसको खाना है। और इस तरह मक्खन आप 5-7 दिन आराम से खा सकते हैं। मक्खन उठाने के बाद जो छाछ निकलता है इसको आप फ्रिज में रख दीजिए और मावा बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तैयार हो गया है खाने के लिए शुद्ध मक्खन। थोड़ा सा कटिंग मिश्री डाल के हम इसको गार्निशिंग कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।